दोस्तों आज की कहानी है। बहू तुम लोग तो मुझे समय नहीं दे पाते, लेकिन मेरे पोते को तो समय देने दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गायत्री निवास में रहने वाली गायत्री देवी को भगवान ने सभी सुखों से नवाजा हुआ था। उनका इकलौता बेटा रंजित अपने काम में अति व्यस्त रहता था। बहू रोहिणी भी नौकरी करती। उनके दो पोते मयंक मानस और दो पोती मानसी और मेगा अपने कॉलेज में व्यवस्थ रहते। पैसों की घर में कोई कमी नहीं थी। गायत्री जी को उनके बेटे ने सब कुछ दे रखा था। वो अपना ज़्यादा वक्त मोबाइल और टीवी देखने में व्यतीत करती थी। सब कुछ तो था उनके पास, पर वो खुशी नहीं, वो खुशी जो वो खोज रही थी। एक दिन मयंक अपने भाई को बोला, भाई हम जब भी बाहर मूवी और होटल जाते, दादी बहुत गौर से हमें देखती। पापा मम्मी तो ऑफिस की पार्टी में अक्सर अकेले चले ही जाते हैं। वो मुझे कई बार बोली, छोटे मुझे भी ले सर किसी दिन होटल, आज हम लोगों को बातें करते सुनी। तब से बोल रही, मुझे भी ले चलो, हम क्या करें। मानस और मानसी दोनों ने बोला, चलो आज दादी को भी लेकर चलते हैं। पिछली बार हमारा बिल ज़्यादा आया था हम सारों के खाने का, अब अगर दादी को भी लेकर जाएंगे तो हमारे पॉकेट मनी से सबका होना मुश्किल होगा। मयंक ने सुझाव दिया कि इस बार हम महंगे ऑर्डर नहीं करेंगे और इस बार हम कम सीजे ऑर्डर करेंगे तो हम 5 लोगों का हो जाएगा। सबने अपनी पॉकेट मनी का हिसाब किया, फिर दादी को बोलने गए। सारों दादी के कमरे में गए और बोले, दादी आज हम बाहर लंच करेंगे, तुम चलोगी हमारे साथ। दादी के मन की बात हो रही थी, वह खुशी खुशी बोली, तुम ले चलोगे तो क्यों नहीं चलूंगी। बच्चों ने उनसे बोला, आप तैयार हो जाओ, हम भी तैयार होकर आपको लेने आते हैं। बच्चों ने जब दादी को देखा तो बोलने लगे, वाह दादी आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, क्या बात है, ऐसा लग रहा जैसे किसी को मिलने जा रही हो। कहकर बच्चे दादी को सेड़ने लगे। गायत्री देवी बस शर्मसार रह गई। होटल में आकर सब एक अच्छी जगह सुनकर बैठ गए। कुछ देर सब क्या ऑर्डर करे सोचने लगे। थोड़ी देर बाद वेटर आया और बोला, ऑर्डर प्लीज। मयंक अभी ऑर्डर देने ही वाला था, तभी दादी बोली, आज तो ऑर्डर मैं करूंगी, मैं आज अपने बच्चों के साथ जो आई हूँ। दादी ऑर्डर देने लगी, मटर नान, मिसी रोटी, शाही पनीर, मटर मशरूम, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता। बच्चे ना बोलते, उससे पहले दादी बोलती, 5 चॉकलेट ब्राउनी। बच्चे पहले तो ये नाम दादी के मुंह से सुनकर आश्चर्य शंकित हुए। उधर पैसों की कमी से परेशान दादी को मना भी नहीं कर सकते थे। पहली बार वो साल जो आई थी, जब सबने डिजर्ट ले लिया तो वेटर बिल ले आया। जैसे ही बिल की ओर हाथ बढ़ाया, बिल दादी के हाथों में चला गया। वो मुस्कुराते हुए बोले, आज का लंच दादी की तरफ से। दादी ने बिल के पैसे दिए और सब घर आ गए। घर आकर दादी सारों बच्चों को पास बुलाकर बहुत सने और आशीर्वाद देते हुए बोली, धन्यवाद मेरे बच्चों मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। बच्चे आरस्य से एक दूसरे को देखने लगे। मयंक ने बोला, दादी आप ऐसे क्यों बोल रही हो। गायत्री देवी भराए सवर में बोली, बच्चों मुझे तुम सब होटल लेकर गए, तुम लोगों ने जो वक्त मुझे दिया मुझे बहुत खुशी हुई। घर में मोबाइल फोन और टीवी देखकर अपने कमरे में
बोर हो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं, बस तुम लोगों का थोड़ा सा वक्त चाहिए। दादी को दे सकोगे अपना वक्त? सारे बच्चे एक साथ दादी के गले लगकर बोले, हाँ दादी क्यों नहीं। मयंक ने दादी को किस किया और बोला, हम प्रॉमिस करते हैं दादी, अब महीने में एक बार मूवी भी साथ जाएंगे और होटल में खाना भी खाएंगे। हम प्रतिदिन तुम्हारे कमरे में आकर गप्पे मारेंगे, हमें माफ कर दो दादी। हम भूल गए कि आपको भी हमारी तरह सबका साथ चाहिए। गायत्री देवी आज बहुत खुश हुई, जो वक्त उनके बेटे बहू न दे पाए वो आज बच्चों ने उन्हें दे दिया। अनजाने में बच्चों ने ये महसूस कर लिया कि दादी की खुशी हमारे साथ में है। जैसे हम सबके साथ खुश होते, दादी को भी आज वो खुशी मिली। अब हम सब उनको अकेले नहीं रहने देंगे। आज के अति व्यवस्थित सरिया में हम अपने घर के बुजुर्गों के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हमें उनकी जरूरत थी तो वो एक पैर पर खड़े होकर हमारे साथ रहते थे। आज जब उनको हमारी जरूरत, हम अपने पैर पीछे खींच रहे, कल अगर हमारे बच्चे ऐसा करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए अपने कल को खुशहाल बनाने के लिए हमें अपने घर के बुजुर्गों को खुश रखना बहुत जरूरी है।